तो हाय गाइस, तो कैसे हैं आप सब लोग। स्वागत है आप लोगों का आपके अपने चैनल SPS गेमिंग जोन में। नो फेक न्यूज़, नो फेक अपडेट्स, ओनली 100% रियल कंटेंट। सो दोस्तों, आपको बताइए गेम के अंदर जो 5th एनिवर्सरी के इवेंट चल रहे, ठीक है। दोस्तों जब हम यहां पर क्लिक करते हैं तो गाइस मैं आपको एक चीज दिखाता हूं। यहां पर जब आप एक्सचेंज स्टोर पर क्लिक करेंगे, बीच वाले सन पर क्लिक करेंगे, जो भी बना बीच में गोला सा, उस पर जब आप क्लिक करते हैं तो गाइस यहां पर देखते आप इस टाइप के इंटरफेस में आ जाएंगे, जहां पर आपको एक्सचेंज स्टोर दिया जा रहा है, ठीक है। दोस्तों यहां पर आपको ये तो पता कि काफी सारे आइटम फ्री में मिल रही है, टोकन को आपको एक्सचेंज करना है, ठीक है। तो उसी के साथ में यहां पर देखते हैं, यहां पर लिखा है कि कैप्सूल रिवार्ड्स प्रीव्यू, ठीक है। तो जब आप इस पर क्लिक कर देते हैं तो गाइस यहां पर देखते हैं आपको जो है 5 तरह के और इवेंट दिखाए गए, और इनके ऊपर इनकी डेट भी लिखी गई है कि ये जो इवेंट है कब स्टार्ट होंगे, ठीक है। तो उसी बीच में दोस्तों यहां पे आपको पता है एक जो M4A1 वाला इवेंट है, ये तो अभी गेम के अंदर चल रहा है, ठीक है। तो ये तो आपको पता ही, यहां पे मैं आपको एक बार फिर से दिखा देता हूं, ठीक है। तो ये वाला इवेंट चल रहा है, ये तो आपको पता ही है, जहां से हमें जो मिशन वगैरह कंप्लीट करना है तो साइड से हमें क्रेट मिलेगी, और यहां से हमें तरह तरह के रिवार्ड देखने को मिलेंगे, और यहां से हमें परमानेंट M4A1 गन की स्किन भी देखने को मिलेगी। साथ में दोस्तों यहां पर देखते हैं दूसरे नंबर पर एक और इवेंट है जिसका नाम है दोस्तों स्टाइल कैप्सूल, और ये जो इवेंट है 13 अगस्त को शुरू होगा, ठीक है। और साथ में देखते हैं यहां पे आपको एक क्रेट देखने को मिलेगी, ये वाली क्रेट, ठीक है। और इस क्रेट का नाम देखते हैं यहां पे लिखा स्टाइल कैप्सूल पर्पल चॉइस क्रेट। अब दोस्तों चॉइस क्रेट है, ये तो आपको पता ही होगी, चॉइस क्रेट क्या होती है, जिसके अंदर जो है हमें जो 5-6 रिवार्ड दे दिए जाते हैं, उनमें से हमें एक रिवार्ड को सिलेक्ट करना होता है और उसे क्लेम कर लेना होता है, तो वही होती है चॉइस क्रेट, ठीक है। तो हमें जो है 13 अगस्त को एक चॉइस क्रेट देखने को मिलेगी, ये वाली एक ही मिलेगी, मैं आपको बता देता हूँ, ठीक है। और गाइस ये जो क्रेट है, आप भी सोच रहे होंगे कि यार इस क्रेट से हमें मिलेगा क्या, तो गाइस मैं आपको बता दूं इस क्रेट से हमें मिलेंगे बंडल्स, ठीक है। तो एक नहीं, दो नहीं, तीन नहीं, चार बंडल्स हमें देखने को मिलेंगे, ठीक है। तो क्या 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 बैतलो, तो गाइस अब आप सोच रहे होंगे कि यार वो कौन से 4 बंडल होने वाले जो कि हमें इस क्रेट से देखने को मिलने वाले, क्या वो परमानेंट होंगे या फिर टेम्पररी होंगे, तो ये भी आप सोच रहे होंगे। तो गाइस आप टेंशन मत लीजिए, इस वीडियो में हम आपको यही बताने वाले कि इस क्रेट के अंदर से हमें जो 4 बंडल देखने को मिलने वाले वो किस टाइप के दिखने वाले। वैसे दोस्तों इतना तो कन्फर्म है, आपको इस क्रेट में से बंडल ही देखने को मिलेंगे 4, ठीक है। तो बट वो कैसे दिखते हैं वो आपको इस वीडियो में दिखाऊंगा, साथ में आपको ये भी बताऊंगा कि वो जो बंडल है परमानेंट होने वाले या फिर टेम्पररी होने वाले। तो प्लीज वीडियो को पूरा देखना, आपके जितने भी सवालों के जवाब है आपको इस वीडियो में मिल जाएंगे। और दोस्तों आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट करूंगा, अगर आप हमारे चैनल पर नए और पहली बार हैं तो प्लीज हमारे चैनल SPS गेमिंग जोन को सब्सक्राइब कर लेना और बेल को भी नोटिफिकेशन पर सेट कर लेना। तो चलिए दोस्तों अब मैं आपको जल्दी से बता दूं कि वो जो क्रेट मिल रही है उसके अंदर जो 4 बंडल होने वाले वो कौन से होने वाले, साथ ही दोस्तों वो परमानेंट होने वाले या फिर टेम्परेरी होने वाले। तो चलिए दोस्तों मैं जल्दी से आपको बता देता हूं। तो वह सबसे पहले तो मैं आपको बता दूं कि वो जो क्रेट हमें मिलने वाली है वो हमें किस इवेंट में देखने को मिलने वाली है, ठीक है। तो गाइस यहाँ पर देखते हैं, यहाँ पे आपको यहाँ पर एक इवेंट दिख रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे एक जहाँ पे अपना क्रिमिनल बंडल वाला है रेड वाला, यहाँ पे भी लिखा स्टाइल कैप्सूल, ठीक है। तो और यहाँ पे स्टाइल कैप्सूल लिखा, साथ ही में ये भी लिखा कि ये 13 अगस्त को आपको देखने को मिल जाएगा। तो गाइस मैं आपको बता दूं ये जो रेड क्रिमिनल बंडल है ये किसी इवेंट में आएगा, बट आपको फ्री में नहीं मिलेगा, इसके लिए आपको डायमंड पे करने पड़ेंगे, ठीक है। तो गाइस अगर आप जानना चाहते हैं कि ये जो रेड क्रिमिनल बंडल है किस इवेंट में हमें देखने को मिलेगा, तो उस टॉपिक पर मैंने पहले वीडियो बनाया, तो देख लेना, उसमें मैंने बताया कि आपको रेड क्रिमिनल बंडल किस इवेंट में देखने को मिल सकता है। और गाइस मैं आपको बता दूं कि वो जो 5th एनिवर्सरी की क्रेट मिलने वाली है उसके लिए एक अलग इवेंट आएगा, ठीक है। तो ऐसा इवेंट होगा जैसे कि अभी आप यहां पर देख सकते, अभी यहां पे चल रहा है ना, ठीक है। तो ऐसा ही कोई एक इवेंट होगा जिसमें आपको कुछ मिशन करने होंगे, ठीक है। तो जैसे आप मिशन करेंगे तो गाइस आपको जो एक ही क्रेट देखने को मिल जाएगी, एक ही क्रेट मिलेगी, ठीक है। तो वो एक क्रेट है, जब आप उसे ओपन करेंगे तो गाइस उसमें से आपको 4 बंडल देखने को मिलेंगे, ये तो मैंने आपको बता दिया। अब दोस्तों मैं आपको बता दूं कि वो जो 4 बंडल है कौन से होने वाले, तो गाइस मैं आपको बता दूं सबसे पहला जो बंडल आपको क्रेट में देखने को मिलने वाला है वो दोस्तों ये वाला होने वाला है। थोड़ा दोस्तों लोडिंग ले रहा है, फिर मैं आपको दिखाता हूं। यहां पर देख सकते हैं दोस्तों, यहां पे ये वाला करेक्टर देख रहे हैं ना, इसने जो बंडल पहना हुआ ना, तो गाइस ये वाला बंडल एक तो आपको इसमें देखने को मिलेगा, ठीक है। तो मैं आपको यहां पर भी जाकर दिखा देता हूं कैलेंडर में, ठीक है। यहां पे कैलेंडर में भी लिखा हुआ है, यहां पर देख सकते हैं, यहां पे लिखा ना स्टाइल, जहां पे स्टाइल लिखा हुआ है यहां पे बंडल बना है, तो ये वाला बंडल आपको इस क्रेट में एक देखने को मिल जाएगा, ठीक है। तो उसके बाद दोस्तों जो दूसरा बंडल होने वाला है वो स्टोर में अवेलेबल है, तो मैं यहां पे आपको जाकर दिखा देता हूं, ठीक है। दोस्तों यहां पे चलते हैं हम फैशन वाले सेक्शन में, सॉरी दोस्तों बंडल वाले सेक्शन में चलते हैं। तो गाइस यहां पे नीचे स्क्रॉल करूंगा तो गाइस यहां पर देखते हैं आपको एक बंडल देखने को मिला, ये वाला मेल का। तो गाइस जो दूसरा बंडल उस क्रेट में से आपको देखने को मिलने वाला वो ये वाला मेल का बंडल होने वाला है, ठीक है। तो पहला बंडल मैंने आपको दिखा दिया वो ब्लू वाला था, ठीक है दोस्तों, जो कि मैंने अभी पहना हुआ ये वाला, ठीक है। तो ये जो हमारा 4th एनिवर्सरी वाला बंडल है, एक दूसरा बंडल दिखा दिया जो कि मैंने आपको स्टोर में जाकर दिखाया, ठीक है। तो वो ब्राउन कलर का, ठीक है। उसके बाद दोस्तों जो तीसरा बंडल होने वाला वो होने वाला दोस्तों फीमेल का, ठीक है। जो कि हमें
थर्ड एनिवर्सरी पर देखने को मिला था। यहाँ पे मैं आपको दिखा देता हूँ, यहाँ पे देखते हैं इस करेक्टर ने जो ये बंडल पहना, तो ये वाला बंडल है आपको देखने को मिलेगा उस क्रेट में तीसरे नंबर पर, ठीक है। तो उसके बाद दोस्तों मैं आपको दिखा दूँ जो चौथा बंडल होने वाला है, ठीक है। तो वो भी मेरे को स्टोर में नहीं मिला, बट मैं आपको दिखा देता हूँ, मेरे पास क्लिप मिल गया मुझे, ठीक है। तो यहाँ पे इस क्लिप में देख सकते हैं दोस्तों, यहाँ पे देखते ये वही वाली क्रेट है फिफ्थ एनिवर्सरी को, यहाँ पे देखते जो रेड कलर का बंडल दिखाई जा रहा है ना, ये वाला बंडल ही हमें चौथा देखने को मिलेगा उस क्रेट के अंदर, ठीक है। यहाँ पे देखते एक तो ये बंडल होने वाला, साथ ही में तो आगे चल के देख सकते हैं यहाँ पे आपको मेल का बंडल भी दिखाया जा रहा है, ये ब्राउन वाला, ये भी आपको देखने को मिलेगा, ठीक है। जो कि मैंने आपको बता दिया, ठीक है। साथ ही में तीसरे नंबर पर देखते हैं ये ब्लू वाला फोर्थ एनिवर्सरी वाला बंडल दिखाया जा रहा है, तो ये भी आपको देखने को मिलेगा, जो कि मैंने पहले आपको दिखा दिया। साथ ही में चौथे नंबर पर देखते आपको जो ये फीमेल का बंडल देखने को मिल जाएगा, ठीक है। थर्ड एनिवर्सरी वाला, ठीक है। तो देख सकते जो इस क्लिप में सारे बंडल दिखाए जा रहे हैं वो मैंने आपको दिखा दिया, ठीक है। यही चारों बंडल है उस क्रेट में आपको देखने को मिलेंगे, और गाइस मैं आपको बता दूं वो परमानेंट ही होंगे, टेंपरेरी नहीं होंगे, ठीक है। परमानेंट ही होंगे। थैंक यू, आपका ये उपकार जिंदगी भर याद रहेगा मुझे। तो गैस आपको क्या करना है, आपको जो है वो क्रेट मिल जाएगी फ्री में, आपको कुछ मिशन वगैरह करने हैं, ठीक है। तो जैसे आप मिशन कंप्लीट करेंगे, क्रेट को ओपन करेंगे, तो गैस वहाँ पे आपको जो चॉइस दे दी जाएगी इन चारों बंडल में से, आपका जो मन चाहे एक बंडल आप चूज कर लेना, जो भी आपको पसंद है या फिर जो भी आपके पास नहीं है, ठीक है। तो आप उसे चूज करके जो है क्लेम कर लेना, तो आपको जो बंडल देखने को मिल जाएगा परमानेंट। तू समझा? तो आई होप गाइस कि आपको ये वीडियो पसंद आया और आपको पता चल गया होगा कि वो जो क्रेट मिली हमें फिफ्थ एनिवर्सरी की, उनमें से हमें कौन से चार बंडल देखने को मिलने वाले हैं। तो मैंने चारों के चारों बंडल आपको दिखा दिए कि वो कौन कौन से होने वाले हैं। तो गाइस अगर आप कंफ्यूज हो रहे हैं कि चारों में से कौन सा बंडल हमें लेना चाहिए, तो एक काम करना, प्लीज मुझे इस वीडियो के नीचे कमेंट कर देना और मुझे बोल देना कि आप जो इस टॉपिक पर वीडियो बना दो कि हमें इन चारों में से कौन सा बंडल लेना चाहिए, तो मैं इस टॉपिक पर वीडियो बना दूंगा, आप टेंशन मत लीजिए। बाकी दोस्तों अगर आपकी खुद की कोई चॉइस है कि उन चारों में से कौन सा बंडल लेना है, तो प्लीज मुझे कमेंट करके जरूर बताना कि आप जो है कौन सा वाला बंडल क्लेम करने वाले हैं। तो आई होप गाइस कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर दोस्तों आपको ये वीडियो पसंद आया तो प्लीज इसे लाइक कर देना, शेयर कर देना, साथ ही में चैनल को सब्सक्राइब कर देना और बेल को भी ऑल नोटिफिकेशन पर सेट कर लेना। तो चलिए दोस्तों फिर अब हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तो तब तक के लिए दोस्तों जय हिंद जय भारत।